collect blood sample and separation of serum plasma with proper technique. So first of all, let's see what all equipments are required for collecting blood sample and separation of serum and plasma. These equipments used for collecting a blood sample and separation of serum plasma. Then let's start. Here have vials. EDTA vial. इसको हम वैक्यूम टेनर भी बोलते हैं. देन ये है अल्कोहल और सिप्रेड. ये आपका सिप्रेड है. ये कॉटन, ये टर्निकेट. देन ये है आपके हैंड ग्लोव्स, अपने साइज के अकॉर्डिंग लेने हैं आपको. देन ये है सिरिंज. ठीक है, अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं. देन मेरा कहाँ है कॉटन? पेशेंट को बोलना है कि देन अपनी फिस्ट को बंद कर दो. उसके बाद आपने दो इंच, टू और थ्री इंच का गैप डाल के आपने टर्निकेट जो है यहां पे बांधना है टाइटली. देन उसके बाद आपने वैन को जज करना है. जज करने के बाद आपने विद द हेल्प ऑफ कॉटन स्वैब से इस एरिया को क्लीन करना है, इनर टू आउटर. उसके बाद आपने क्या करना है, वेदर इज वर्किंग और नॉट. उसके बाद आपने वैन को पंचर करना है. देन आपने देखो ब्लड पीछे आ रहा है, हम सैंपल कलेक्ट कर लिए. अकॉर्डिंग टू पेशेंट के जितना टेस्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप जो है सैंपल जो है यूज करोगे. देन उसके बाद फिर आप क्या करोगे, मुट्ठी खोल के टर्निकेट को ओपन करोगे और उसके बाद कॉटन यहां पे रख के पेशेंट को बोल को ओपन करके इस वाइल में सैंपल जो है स्लोली स्लोली एंटीकोगुलेंट वाइल में, ईडीटीए की वाइल में हमने जो है सैंपल प्रिजर्व करना है. जब आपने यहां पे ब्लड जो है एंटीकोगुलेंट वाइल में डाल दिया, इसको हमने प्रिजर्व कर दिया, उसके बाद आपने एक प्लेन वाइल लेनी है और इसमें भी आपने ब्लड जो है प्रिजर्व करना है. ये प्लेन वाइल है, इसे हम सीरम जो है सीरम निकालेंगे. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूज. ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें हम सीरम और प्लाज्मा की सेपरेशन करके आपको बताएंगे कि सीरम और प्लाज्मा की सेपरेशन ब्लड से कैसे होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसकी लीड को ओपन करना है. देन आपने इसमें एंटीकोगुलेंट वाइल डालनी है और हमेशा जब भी आप एंटीकोगुलेंट वायल इसमें डालें तो सेम शेल में आपने इसमें डालना ताकि ये सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है बैलेंस में रहे. और उसके बाद आपने लीड को बंद कर देना है.
और मेन स्विच जो है इसका ऑन करना है। अब देन आपने स्विच को यहाँ से ऑन करना है, उसके बाद आपने सेंट्रीफ्यूज को ऑन किया, देन उसको 3000 आरपीएम पे आपने इसको सेट किया विद 10 मिनट्स के लिए, देन आपका सेंट्रीफ्यूज जो है स्टार्ट हो गया। अब हमें ये सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है सेपरेशन ऑफ सीरम और प्लाज्मा अभी निकलेगा। आपको दिख रहा है इरिटेट कर रहा है, टेन मिनट्स के बाद आपने मेन पावर को ऑफ करना है, देन लीड को ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। अपनी आपने जो वायल हमने लगाई थी उनको हमने ओपन करना है, यहां से बाहर निकालना है। अब आपके सामने है सेपरेशन आप सीरम, देख लो सीरम में क्या है, नीचे जो है ब्लड क्लॉट हो गया है और ऊपर देख रहा है आपको, देखो ये सीरम आ गया है और इसमें है आपका ये देखो प्लाज्मा, ये ऊपर आपको दिख रहा है ये जो ये प्लाज्मा आ गया है एंटीकोगुलेंट वायल में और देन इसके नीचे जो है ये ब्लड क्लॉट हो गया। तो अब आपने क्या करना, जब आपकी सेपरेशन हो गई सीरम और प्लाज्मा गई, अब हम ये बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। जो हमारा सीरम है इसमें एंटीकोगुलेंट जो क्या है एब्सेंट है और इसमें एंटीकोगुलेंट क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। देन इसमें क्या है, जो आपका सीरम है इसमें प्रोटीन फाइब्रोजिन जो एब्सेंट है और जो आपका प्लाज्मा है इसके अंदर फाइब्रोजिन जो है प्रोटीन आपका वो प्रेजेंट है। देन जो प्लाज्मा है ये हम ट्रांसफ्यूजन के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और जो हमें कोगुलेशन स्टडी के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और देन जो आपका सीरम है ये हम किस टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, जो हमारे सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू।